हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब पंकज वो कूड़ेदान में पड़ा हुआ कंबल देखता है तब वो सीधे नायरा के ससुराल में चला जाता है। छोटी, वो कंबल क्या तूने फेंका था? ओ नो, अब मैं क्या करूं? भैया को तो पता चल गया है कि वो कंबल तो कचरे में फेंक दिया है। शिट यार, ये कंबल तो मैंने ही फेंका था, क्योंकि ये कंबल मुझे बहुत ही गरीब टाइप लगता था। छोटी, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। पंकु भैया, मुझे भी ये जानकर हैरानी हो रही है कि वो कंबल कचरे में फेंक दिया था। मुझे भी वही लगा था, क्योंकि तू ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस घर में ऐसा कौन है जिसे ये कंबल फेंकने की ज़रूरत पड़ी? पंकु भैया, वैसे तो ऐसा यहाँ कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी मैं सीसीटीवी कैमरा और सबसे पूछकर ये पता लगाऊंगा। सॉरी भैया, आपको हर्ट हुआ होगा ना? नहीं छोटी, ऐसी कोई बात नहीं है। चल, तू अपना ख्याल रख, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे काम के लिए देर हो रही है। ठीक है भैया। फिर पंकज वहाँ से चला जाता है। बाद में जब अक्षत सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तब वो देखता है कि नायरा ने ही वो कंबल कूड़ेदान में फेंका था। ओ माय गॉड, नायरा बहू, तुमने ही ब्लैंकेट को थ्रो किया है कचरे में। तो फिर तुमने पंकज से लाए क्यों बोला? टेल टेल। नायरा बहू, ये तुमने बहुत गलत किया है। हाँ नायरा, वंदना भाभी ने कितने प्यार से बनाया था उस कंबल को। लेकिन अक्षत, अब मैं एक बड़े खानदान की बहू हूँ, मेरा रहन सहन बदल चुका है और अब मुझे वो गरीबों वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए मैंने वो फेंक दिया। दैट्स इट। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। तुमने ये बहुत गलत किया है नायरा, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन नायरा उन लोगों की बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। नायरा का एटीट्यूड दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। वही दूसरी तरफ जब जब पंकज और वंदना उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं वो उनका कॉल नहीं उठाती। लेकिन बिना भूले वो अपने पार्टीज और शॉपिंग के फोटोज रोज ऑनलाइन पोस्ट किया करती थी। कमाल है नायरा का, सोशल मीडिया पर अपने सारे फोटोज पोस्ट करने के लिए उसके पास बराबर टाइम है, लेकिन हमारे फ़ोन और वीडियो कॉल्स को उठाने के लिए नहीं। मैं कह रही थी ना तुमसे पंकज, तुम्हारी छोटी अब बहुत बड़ी बनने लगी है, उसका रवैया तो दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा वंदना, कि आखिर उसे हो क्या गया है। अरे जमाई सा, वंदना बिटिया, इतना मत सोचो, नया नया ससुराल है, नई नई जिंदगी है, अब थोड़ा व्यस्त तो रहेगी ही ना वो। हमारे लिए सब कुछ वैसे का वैसा ही है, लेकिन उसके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, तो तुम उसे थोड़ा समय दो। वंदना और पंकज कांता की बातों से सहमत हो जाते हैं और नायरा के बिगड़ते बर्ताव को वो दोनों अपने दिल पे नहीं लेते। थोड़े दिनों बाद नायरा का जन्मदिन आता है और तभी अक्षत उसके लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। हैप्पी बर्थडे नायरा बहू, मे गॉड गिव यू लॉट्स ऑफ आशीर्वाद एंड यू ऑलवेज लुक लाइक दी सुंदर एंड ब्यूटीफुल। हैप्पी बर्थडे नायरा बहू, जीती रहो, सदा सुखी रहो। थैंक यू माँ जी, थैंक यू पापा जी। हैप्पी बर्थडे वाइफी, आज शाम को बहुत बड़ी पार्टी होने जा रही है,
मैंने सारे गेस्ट को इनवाइट कर दिया है। ग्रेट। अच्छा अक्षत, तुम वो पंकु भैया, वंदना भाभी और कांता मौसी को कॉल मत करना, मैं उन्हें आने के लिए कह दूंगी। तुम अगर बताओगे तो डबल डबल हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है नायरा, इसे क्या पता कि इसे तो मैंने झूठ कहा है। क्या करूं, अगर अब मैं झूठ नहीं बोलती तो ये उन तीनों को बुला देते, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे गरीब मिडिल क्लास भाई भाभी और उनकी बुढ़ी माँ को देख लोग मेरी इज्जत की धजियाँ उड़ाए और मुझ पर हंसने लगे। वही दूसरी तरफ पंकज, वंदना और कांता नायरा के जन्मदिन की खुशी में उसकी पसंद की सारी चीज़ें तैयार कर रहे होते हैं। छोटी के लिए सारे गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं, उसकी पसंद के लड्डू भी तैयार है और सारा खाना भी। वैसे वो लोग तो बहुत अमीर हैं, तो पार्टी तो रखनी ही चाहिए थी ना उन्हें। खैर, ना भी रखी हो तो क्या हुआ, हम उसे वहाँ पहुँचकर सरप्राइज देंगे, हमें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी। फिर वो तीनों नायरा के घर चले जाते हैं और देखते हैं कि नायरा ने तो अपने बर्थडे पार्टी का केक भी कट कर लिया है और साथ में वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उन तीनों को वहाँ देखकर नायरा तुरंत उनके पास पहुँच जाती है और कहती है, ओफो, आप लोग यहाँ पर? जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं नायरा बिटिया। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी ननन। हैप्पी बर्थडे छोटी। छोटी, तूने हमें पार्टी में नहीं बुलाया और छुपके से तू इतनी बड़ी पार्टी मना रही है। हाँ तो आप लोगों को समझना चाहिए ना कि अगर मैंने आपको इनविटेशन नहीं दिया है तो नहीं आना चाहिए था आपको। नायरा की ये बातें अक्षत, उर्मिला और धनराज भी सुन लेते हैं और वो भी हैरान होकर उसके पास चले जाते हैं। नायरा, तुमने दोपहर में तो कहा था कि तुमने इन्हें इनविटेशन दे दिया है और अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कांता मौसी की तबीयत खराब होने के कारण ये दोनों भी पार्टी में नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब तुमने हम तीनों से झूठ कहा है नायरा। वाई नायरा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती थी कि ये तीनों इस पार्टी में आए और मेरी इज्जत खराब हो, क्योंकि अब मैं इन तीनों जैसी मिडिल क्लास नहीं हूँ, एक हाई क्लास हो चुकी हूँ और मेरे स्टैंडर्ड्स भी बढ़ चुके हैं। नायरा के मुँह से ये सारी बातें सुनकर वंदना, पंकज और कांता को बहुत बुरा लगता है। छोटी, तू ये सब कह रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ पंकू भैया, ये मैं ही कह रही हूँ, और अभी भी प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी आप लोगों को देख ले और 100 सवाल पूछे मुझसे कि वो मिडिल क्लास लोग तुम्हारे क्या लगते हैं। सो प्लीज़ चले जाइए यहाँ से। ठीक है नायरा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही, आज के बाद हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। आज से ये भाई बहन का रिश्ता खत्म नायरा। आज तूने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, जख्म दिया है तूने मुझे, जो अब कभी नहीं भर पाएगा। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले।